3 सद्गुरु हर देव। सद्गुरु हर मानव को मानवता का पाठ पढ़ाता है। प्यार से मिलकर रहें सभी जन, सद्गुरु ये सिखलाता है। बाबा गुरुबचन सिंह जी और ममतामयी निरंकारी राजमाता जी द्वारा सिखाए गए मार्ग पर कदम बढ़ाते हुए संत निरंकारी मिशन धीरे धीरे देश विदेश के कोने कोने में फैलने लगा। प्रेम और भाईचारे की खुशबू चारों दिशाओं को महकाने लगी। सत्य की मशाल लिए बाबा जी और माता जी गांव गांव, गली गली एवं देश विदेश में ब्रह्म ज्ञान का उजाला फैलाते हुए आगे बढ़ते रहे। सच्चाई के पैगाम को रोकने के प्रयास भी हुए, पर युगों युगों से सत्य की आवाज भला कब रुकी है। 23 मार्च सन 1980 को दिल्ली में विशाल जनसमूह को संबोधित करते हुए बाबा गुरुबचन सिंह जी ने फरमाया, जब ये तन मन धन निरंकार का दिया हुआ है तो इसे अर्पण भी उसी भावना से करना चाहिए। दातार किसी भी शरीर से ये काम ले, ये उसकी मर्जी है। कभी भी मन में ये ख्याल न लाना कि कोई एक शरीर ही हमारा मिशन है। हमारा गुरु ज्ञान है। गुरु तो हमेशा ही संसार में रहा है और रहेगा। कुछ इसी तरह के भाव बाबा जी ने 14 अप्रैल सन 1980 को चंडीगढ़ में आयोजित विशाल सत्संग में अपार जनसमूह को संबोधित करते हुए रखे थे। बाबा गुरुबचन सिंह जी के मुखारविंद से निकले इन वचनों के कुछ दिन बाद 24 अप्रैल सन 1980 को रात लगभग 11 बजे एक दुखद सूचना से निरंकारी जगत स्तब्ध रह गया। बाबा गुरुबचन सिंह जी अपने अनन्य भक्त चाचा प्रताप सिंह जी के साथ मानवता के लिए कुर्बान हो गए। ये शोक समाचार सुनकर हर श्रद्धालु मानो संज्ञा शून्य सा हो गया। दुनियावी रूप में पिता का साया आपके सिर से उठ गया और आध्यात्मिक रूप से आपके सदगुरु का साकार रूप छिन गया। किंतु उन विषम परिस्थितियों में भी 26 वर्षीय हरदेव जी शांत एवं स्थिर रहे। उस मुश्किल घड़ी में भी हरदेव जी का प्रभु की रजा के प्रति पूर्ण समर्पण भाव दिखाई दे रहा था। आपने उस समय न केवल स्वयं को संभाला, बल्कि हर गुरसिख को ईश्वरीय हुक्म के आगे नतमस्तक होने की दृढ़ता प्रदान की। आप उद्वेलित नौजवानों को भी बाबा गुरुबचन सिंह जी द्वारा आजीवन सिखलाई गई अमन प्यार नम्रता की शिक्षाएं याद दिलाते रहे। आपकी प्रेरणा से धीरे धीरे सबके मन शांत व स्थिर होने लगे। वैर हिंसा व तनावपूर्ण वातावरण प्रेम अहिंसा और सहनशीलता में परिवर्तित होने लगा। 27 अप्रैल सन 1980 प्रातः बाबा गुरुबचन सिंह जी के पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार पूरे सम्मान के साथ निगम बोध घाट के विद्युत शवदाह गृह में किया गया। बाबा गुरुबचन सिंह जी को अंतिम विदाई देते हुए हर भक्त बस यही कह रहा था कि 17 वर्षों तक बाबा गुरुबचन सिंह जी जैसी महान विभूति ने जिस तेज गति से मानव कल्याण का कार्य किया, उसकी इतिहास में अन्यत्र कोई मिसाल मिलना दुर्लभ है। अनगिनत उपहार अनुपम दे गए संसार को, कैसे भुला पाएगा जग गुरुबचन के प्यार को। सदगुरु रूप में अवतरण, मानवता को राह दिखाने चल पड़े हरदेव जी। नक्श कदम पे उनके चलने लगे लाखों बशर। निरंकार अनादिकाल से किसी ना किसी घट को जगत के कल्याण के लिए चुनता आया है। हालांकि 24 अप्रैल की रात्रि को ही हरदेव जी सत्य ज्ञान के संदेश वाहक के रूप में अवतरित हो चुके थे, परंतु विधिवत रूप से सदगुरु रूप में आपका अभिनंदन 27 अप्रैल सन 1980 को हुआ। दोपहर 2 बजे संत निरंकारी कॉलोनी दिल्ली स्थित सत्संग भवन के हॉल में संत निरंकारी मंडल के प्रमुखों प्रचारकों एवं सदस्यों की उपस्थिति में बाबा हरदेव सिंह जी ने राजमाता जी के चरणों में वंदना की। संत निरंकारी मंडल के प्रधान श्री डॉक्टर देसराज जी ने
तिलक लगाकर हरदेव जी का सदगुरु के रूप में अभिनंदन किया। राजमाता जी ने आपके पावन मस्तक पर कलगी लगाई। सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज की जय के जय घोष से चारों दिशाएं गूंज उठी। राजमाता जी ने सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी के चरणों में नमस्कार करके निवेदन किया, आज से आप सदगुरु रूप में हमारा पथ प्रदर्शन करें, हमारे लिए जो आदेश हो उन्हें अपने पावन मुख से कहें। आपने अपनी अलौकिक वाणी से सबके मन शांत करते हुए फरमाया, साध संगत जी, धन निरंकार, दास को तो आप सब संत महापुरुष जानते ही हैं कि दास के पास ऐसा कोई गुण नहीं जिसके बल पर दास इस महान जिम्मेदारी को निभाने में सफल हो सके। बाबा गुरबचन सिंह जी तो सब प्रकार के गुणों के भंडार थे, उनके पद चिन्हों पर चल सकने की शक्ति भी आप संतों महापुरुषों के आशीर्वाद से ही प्राप्त होनी है। दास समझता है कि निरंकार दातार को जिस घट से जैसा काम लेना होता है उसे वैसी शक्ति भी प्रदान करते हैं। दास का विश्वास है कि ये जिम्मेदारी जो दास के कंधों पर डाली गई है, जिसके काबिल दास अपने आप को बिल्कुल नहीं समझता, पूज्य राजमाता जी के आशीर्वाद से, निरंकार दातार की रहमत से और आप महापुरुषों की शुभकामनाओं से दास इसे निभा पाएगा। दास इस पथ का अनजान पथिक है, आप रहमत करेंगे तभी दास आने वाले समय में निरंकार की इच्छा अनुसार आपकी सेवा कर पाएगा। संसार वैर और नफरत की आग में जल रहा है, दातार बख्शिश करे तभी दास सच्चाई के रास्ते पर चलते हुए और अमन एकता का प्रचार करते हुए इस भयानक आग को ठंडा करने में सफल हो सकेगा। अक्सर शांत एवं मौन रहने वाली आपकी दिव्य वाणी से जब ये अमृत वचन निकले तो तपते दिलों को ठंडक मिलने लगी। आपने जिस भावपूर्ण शैली में नम्रता पूर्वक अपने दिल की बात रखी, उसे सुनकर सभी को विश्वास हो गया कि निरंकार प्रभु ने इस दिव्य विभूति को आज तक मौन रहकर सबकी सेवा करने का जो विशाल भाव प्रदान किया हुआ था, वो आने वाले समय को नई दिशा देने की तैयारी थी। सदगुरु के रूप में जैसे ही आप अवतार पार्क के विशाल सत्संग पांडाल में पधारे तो सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी के जयकारों से सारा वातावरण गूंज उठा। हजारों संतों का जनसमूह आपके पावन मुखारविंद से निकलने वाले प्रवचन सुनने के लिए आतुर था। आपके उस दिन के प्रवचन इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों में अंकित हुए। जो शब्द आपके श्रीमुख से निकले वो आपके दिव्यता का प्रमाण दे रहे थे। संपूर्ण जनसमूह मंत्र मुग्ध सा बैठा आपके प्रवचन सुन रहा था। आपका मौन आज मुखरित हो उठा था। साध संगत, आज हम जिस अवसर पर यहां एकत्रित हुए हैं, उस संत महात्मा का सारा जीवन इंसानियत का भला मांगने व भला करने में लगा। आज हम कहते हैं कि उनकी हत्या कर दी गई। ये बाबा गुरबचन सिंह जी की हत्या नहीं हुई, बल्कि जिन पीर पैगंबरों ने कहा कि तेरे भाणे सरबत का भला, ये उनके विचारों की हत्या हुई है। ये भाई कन्हैया जी की भावना की हत्या हुई है। बाबा गुरबचन सिंह जी की हत्या कोई नहीं कर सकता। साध संगत, गुरु हमेशा संसार में सत्य का उपदेश देता है। जो लोग नफरत की आग में जल रहे हैं उन्हें ठंडक देता है। युगों युगों से जब भी किसी महापुरुष ने सच की आवाज दी तो उस वक्त के लोगों ने, जिन पर सांसारिक माया का पर्दा था, जो अपने अभिमान में परम पिता परमात्मा को भूल गए थे और भूल रहे हैं, उनके साथ कुछ कम नहीं किया। आज कोई कहे कि जिन 10-15 महापुरुषों ने माइक के आगे खड़े होकर बाबा जी को श्रद्धांजलि भेंट की, शायद उन्हीं के जीवन में बाबा जी ने कोई खास बात की हो, तो यह गलत है। आज हर बच्चा, बुजुर्ग, भाई, जो भी यहां बैठा है, इनके हर एक पल, हर एक श्वास पर बाबा गुरबचन सिंह जी की मुहर लगी हुई है। उन्होंने जो उपकार किए, हम पर जो रहमतें की, वो कभी भी भुलाई नहीं जा सकती।
अपने प्रवचन में आपने युवकों व बुजुर्गों को बदले की भावना से ऊपर उठकर विशालता और सहनशीलता की सही दिशा दिखाते हुए आगे फरमाया, दास का तो बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज से दोहरा रिश्ता था। जहां वो मेरे सदगुरु थे, वहीं सांसारिकता के नाते वो मेरे पिता भी थे। सबसे पहले दास के मन में ही आना चाहिए था कि उनके साथ जो कुछ हुआ इसके लिए कुछ करना चाहिए, लेकिन उनके जो आदेश थे, उनकी जो सिखलाई थी, उसने दास की खुद की भावना को दबा दिया। उनके दिल में जो दूसरों के प्रति दर्द था, जो स्वच्छ भावना थी, वही प्रबल रही। यदि कोई ये सोचता है कि खून का बदला लेना चाहिए, तो दास यही कहेगा कि हम खून का बदला तभी चुका पाएंगे अगर हम गली गली मोहल्ले मोहल्ले में बाबा गुरबचन सिंह जी का संदेश पहुंचा पाएं, जो संसार वैर भावना में जल रहा है उस तक ठंडक पहुंचा पाएं। संत निरंकारी मिशन की रहनुमाई सदगुरु रूप में संभालने के बाद बाबा हरदेव जी ने अपकार नहीं उपकार करें, संहार नहीं श्रृंगार करें का नारा देकर सबका रुख मानव कल्याण की ओर मोड़ दिया। प्रभु रजा में राजी रहने की प्रेरणा देते हुए बस यही समझाया, हम गुरु के शरीर के नहीं बल्कि गुरु के वचनों के उपासक हैं। हमें शरीरों के साथ नहीं बल्कि गुरु वचनों के साथ जुड़ना है। आपने अपने प्रवचनों में मूलतः प्रेम करने पर ही बल दिया। हमें संसार के सभी प्राणियों से प्यार करना है। जितने भी गुरु पीर पैगंबर आए, उन्होंने कभी इंसान को इंसान के साथ टकराने की बात नहीं सिखाई। हमें अपनी संतों वाली चाल कभी नहीं छोड़नी। हमें सदा एक दातार प्रभु पर भरोसा रखना है और दातार प्रभु के बनाए सब बंदों से प्यार करते जाना है। इस प्रकार बाबा जी ने अपने सौम्य स्वभाव एवं शीतल वाणी से हर हृदय को शांत व विशाल किया। आप भक्तों को निरंतर सत्य की आवाज को अपने आचरण से पेश करने की शिक्षा देते रहे। सभी महापुरुषों ने महसूस किया कि सदगुरु का केवल रूप बदला है, संदेश नहीं। बाबा हरदेव सिंह जी के सदगुरु रूप में प्रकट होने के बाद आपका अपना परिवार भी आपको पारिवारिक रिश्ते से ऊपर साकार सदगुरु मानकर हृदय से नमन करने लगा। माँ बेटे का रिश्ता भी गुरु सिख और गुरु का रिश्ता बन गया। उस दिन के बाद राजमाता जी ने कभी भी बाबा जी को अपने चरण नहीं छूने दिए। बाबा जी जरा सा भी झुकते तो राजमाता जी फौरन उनका हाथ पकड़कर अपने सिर पर रख लेती थीं। राजमाता जी से जब एक साक्षात्कार में पूछा गया कि आपको हरदेव जी के सदगुरु रूप में प्रकट होने के बाद कैसा महसूस होता है, तो राजमाता जी ने कहा, गुरु अर्थात ज्ञान की ज्योति एक ही होती है, कोई अलग नहीं होती। शरीर की ही तब्दीली हुई है, ज्योति तो वही है। इसलिए जो एहसास शहनशाह जी के समय था, बाबा गुरबचन सिंह जी के समय था, वही एहसास अब बाबा हरदेव सिंह जी के समय है, कोई अंतर नहीं है। जब बाबा हरदेव सिंह जी को सदगुरु मान लिया गया तो कोई और विचार मन में आता ही नहीं। अब तो एक ही अरदास है कि दातार कृपा करना कि सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज की सेवा करते हुए, गुरु के भय में रहते हुए, गुरु की भक्ति करते हुए बाकी का समय, बाकी का जीवन व्यतीत हो। मेरा तो यही कहना है कि यदि सदगुरु को कोई केवल रिश्तेदार समझता है तो सदगुरु भी केवल रिश्तेदारी तक ही सीमित रहता है। यदि कोई सदगुरु को प्रभु का साकार रूप मानता है तो सदगुरु भी उसको अपने साथ साथ तीनों लोकों में प्रकट कर देता है। पूज्य राज्य माता जी, आपके चरणों का स्पर्श कर सारे संसार के लिए सुखों की कामना करती। इतना ही नहीं, वो हर रोज आपकी चरण धूली मस्तक पर लगाती। जब उनसे पूछा जाता कि आप अमुक सत्संग में कृपा करेंगी, तो उनका एक ही उत्तर होता, जैसा बाबा जी आदेश देंगे। बाबा जी की धर्म पत्नी पूज्य माता सविंदर जी भी बाबा जी को पति से पहले सदगुरु मानकर एक शिष्या के भाव रखते हुए मानव कल्याण हेतु
पूर्ण सहयोग देने लगी। आपकी बहनें भी आपका सद्गुरु रूप में पूरा सत्कार करती, गुरसिख बनकर सत्संग में याचना करती। कदी ना वीर में तक्का, रब दी तस्वीर में तक्का। आपकी सुपुत्रियां भी आप में पिता की छवि से पहले गुरु की छवि देखती। आपके श्री चरणों में बैठकर आपके द्वारा बताए सेवा, सुमिरण एवं सत्संग के मार्ग पर चलने का आशीर्वाद मांगती। इस प्रकार परिवार का हर सदस्य आपकी समीपता को अपना सौभाग्य मानकर एक गुरसिख के रूप में आपके हर वचन का पालन व सम्मान करने लगा। रहनुमा नया, राहे वही। जन जन का कल्याण करना सदगुरु का विरद होता है। दयालु सदगुरु के कदम परोपकार के लिए अनायास ही आगे से आगे बढ़ते जाते हैं। बाबा हरदेव सिंह जी ने मिशन की बागडोर संभालते ही ब्रह्म ज्ञान की ज्योति व अमन प्रेम का संदेश घर घर तक पहुंचाने का बीड़ा उठा लिया। निरंकारी संत समागम विश्व बंधुत्व की भावना के प्रचार प्रसार में एक महत्वपूर्ण साधन रहे हैं। एकत्व के सजे हुए गुलदस्ते के रूप में ये संत समागम संपूर्ण विश्व के लिए प्रेरणा स्रोत रहे हैं। इन संत समागमों की श्रृंखला सदगुरु बाबा अवतार सिंह जी के समय से ही शुरू हो गई थी। बाबा गुरुबचन सिंह जी की छत्र छाया में इनका रूप निखरता संवरता चला गया। सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के कदम इस श्रृंखला को और आगे बढ़ाते गए। संसार को ब्रह्म ज्ञान का दिव्य उपहार देकर एक सुंदर भाईचारे से भरा वैश्विक परिवार बनाने के लिए बढ़ने लगे। 33वां संत समागम जो कि 1 से 3 नवंबर सन 1980 में हुआ, अपने आप में ऐतिहासिक समागम था, क्योंकि सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी की रहनुमाई में ये प्रथम वार्षिक संत समागम था। बाबा गुरुबचन सिंह जी को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए देश विदेश से इस समागम में आई संगतों ने पहली बार गुरुदेव हरदेव जी के सदगुरु रूप में साकार दर्शन किए। हजारों की संख्या में उपस्थित श्रद्धालु भक्तों को संबोधित करते हुए आपने फरमाया, आज ये जो मानवता का बाग दिखाई दे रहा है, ये सब उस माली की कृपा है, उसके परिश्रम का फल है जिसने हमें जीने का ढंग सिखाया, जिसने नफरत की दीवारें गिराकर मानवता का ये महल तैयार किया। यदि बुनियाद कमजोर हो तो इमारत कभी मजबूती से खड़ी नहीं रह सकती। बाबा अवतार सिंह जी और बाबा गुरबचन सिंह जी ने इसकी मजबूत बुनियाद रखी। इस चमन की महक उन्हीं महापुरुषों की देन है। दास तो यही समझता है कि जितने भी महात्मा हुए हैं उन्होंने अपने शरीर का बलिदान करके ही बदला लिया है। महात्मा सामर्थ्यवान होते हुए भी प्रभु के कार्यों में दखल नहीं देते, बल्कि उनके दिल में यही भावना होती है कि हमारे शरीर के साथ भले ही कुछ भी क्यों ना हो जाए, फिर भी हमने दया भावना को न छोड़ते हुए सबके प्रति उपकार ही करना है, किसी के प्रति वैर नहीं रखना। महात्मा हमेशा ईश्वर की इच्छा में रहते हैं। दास भी ये चाहता है कि उनके पद चिन्हों पर चलते हुए प्यार, नम्रता और परोपकार की भावना को विश्व में फैला सकें। बाबा गुरुबचन सिंह जी के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि भी यही है कि हम बाबा जी के आदेशों उपदेशों को अपने जीवन में अपनाएं। जहां जहां इन्हें पहुंचा पाएंगे, समझ लो वहां वहां बाबा गुरुबचन सिंह जी पहुंच गए। कल्याण यात्राओं और संत समागमों में बाबा जी के संग आसन पर विराजमान ममतामयी राजमाता जी एवं पूज्य माता सविंदर जी का सुंदर त्रिवेणी स्वरूप श्रद्धालुओं का मन मोहने लगा। राजमाता जी की मातृत्व भरी छाया सबके मन को आनंद से भरपूर करती रही। पूज्य माता सविंदर जी का शांत सौम्य रूप दर्शनाभिलाषियों को अपनत्व का एहसास कराता रहा। सफर दिल से दिलों तक का। बाबा गुरुबचन सिंह जी के मानव एकता के लिए समर्पित जीवन से प्रेरणा लेने के बाद बाबा हरदेव सिंह जी ने 24 अप्रैल का दिन
मानव एकता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। रामलीला मैदान दिल्ली में बाबा गुरबचन सिंह जी की याद में 24 अप्रैल सन 1981 को प्रथम मानव एकता दिवस समागम पर सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के दास भाव के जज्बे ने हर दिल को छू लिया। आपने अपने विचारों में फरमाया, हमारी रक्षा निरंकार स्वयं करता है, दास केवल गुरु के वचन को तथा दातार के आसरे को साथ लेकर आगे बढ़ रहा है। दातार के आसरे के बगैर एक कदम भी चलना मुश्किल होता है। दास यही अरदास करता है कि गुरु का वचन हमेशा मन में बैठा रहे और दास अपने निश्चय पर आगे बढ़ता जाए, अपने को हर एक भक्त का दास समझता रहे। आप सभी के आशीर्वाद साथ रहे। जो जिम्मेदारी दास को सौंपी गई है, दास अपने आप को सभी के चरणों का दास समझकर आखिरी श्वास तक इसे निभा सके। जितने भी श्वास दातार ने दिए हैं, दास इन्हें मानवता की सेवा में लगा सके। उल्लेखनीय है कि इस दिन सभी वक्ताओं ने बाबा हरदेव सिंह जी के चरणों में ये आशीर्वाद मांगा कि हम बाबा गुरबचन सिंह जी के मानव कल्याण के सपनों को तन मन धन लगाकर साकार कर सकें। अस्पताल, स्कूल, कॉलेज आदि से संबंधित जो योजनाएं उन्होंने मानव समाज के कल्याण के लिए शुरू की थीं, उनमें भरपूर योगदान दे पाएं। आगे चलकर आपने इसी दिन 24 अप्रैल को बाबा गुरबचन सिंह जी की स्मृति में रक्तदान अभियान का शुभारंभ करके मानवता को एक ऐतिहासिक देन दी। निरंकारी संत समागम मानवता का रूप सजाते संवारते चले गए। जहां एक ओर आप संत समागमों को ग्रामीण क्षेत्रों तक ले गए, वहीं दूसरी ओर अन्य देशों में संत समागमों का दिव्य स्वरूप पहुंचाया। आप 80 के दशक में पहली बार सदगुरु रूप में निरंकारी राजमाता जी व पूज्य माता जी के साथ इंग्लैंड की मानव कल्याण यात्रा पर रवाना हुए। 20 दिवसीय इस प्रथम विश्व कल्याण यात्रा पर जाने से पहले आपने फरमाया, आपने अब तक सुना है कि ये कोई विदेश यात्रा है, लेकिन दास समझता है कि जो इस निराकार प्रभु को जान लेता है, उसके लिए देश विदेश का कोई अंतर नहीं रह जाता, काले और गोरे का अंतर नहीं रह जाता। जब उन्हें ये मालूम हो जाता है कि सारी इंसानियत एक परमात्मा का ही नूर है, तो फिर परायापन समाप्त हो जाता है और नजदीकियां बढ़ जाती हैं। जहां हम जा रहे हैं, वहां का सैकड़ों मीलों का फासला तो जरूर है, पर वो भी आपके इस महकते हुए बगीचे के ही फूल हैं। इसलिए दास आपसे ये आशीर्वाद मांग कर जा रहा है कि उनको भी हर प्रकार के सुख प्राप्त हो सकें। सदगुरु बाबा जी ने ऑक्सफोर्ड इंग्लैंड में अपने प्रवचन में फरमाया, सभी महापुरुष एक परिवार की तरह आपस में बंधे हुए हैं। इस परिवार का कोई सदस्य दुनिया के किसी कोने में रहता है और उसके साथ कोई भी घटना घटित होती है, तो परिवार के सभी सदस्यों पर उसका एक जैसा ही असर होता है, क्योंकि इन सभी को सदगुरु ने ज्ञान रूपी धागे से ऐसा जोड़ा हुआ है कि ये हर किसी के दर्द को अपना दर्द और खुशी को अपनी खुशी मानते हैं। विदेश यात्रा से आकर भी आपने भक्ति पर्व समागम में 11 फरवरी सन 1981 को यही फरमाया, महापुरुष जहां भी होते हैं, चाहे वो दुनिया का कोई भी कोना हो, उन्होंने तो केवल प्यार ही बांटना होता है, परोपकार करना व सच्चाई का पैगाम संसार तक पहुंचाना होता है। भक्तजन यही काम वहां पर दूर देशों में भी कर रहे हैं। इस प्रकार बाबा जी कल्याण यात्रा पर जाने से पहले और वापस आकर भी वहां का पूरा विवरण साध संगत से साझा कर संतों को परिवार की भांति आनंद प्रदान करते रहे। ये समागमों का सिलसिला आपकी छत्र छाया में निरंतर इंग्लैंड, अमेरिका, इटली, स्पेन, जर्मनी, फ्रांस, चीन, मॉरिशस, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, ऑस्ट्रिया, कनाडा, न्यूजीलैंड आदि अनेक देशों के विभिन्न शहरों में गति पकड़ता रहा। शोभा यात्रा, संत निरंकारी प्रदर्शनी तथा विभिन्न सांस्कृतिक गतिविधियों के द्वारा भी लोगों को मानव एकता के संदेश लगातार दिए जाते रहे।
31 अक्टूबर सन 1981 को राजघाट दिल्ली में आयोजित 34वें वार्षिक संत समागम के पहले दिन बाबा हरदेव सिंह जी ने फरमाया, हमें ये नहीं सोचना कि वो कोई पराया है या हमारे मिशन का नहीं है, हमें सभी के सुख दुख में साथ देना है। बाबा गुरुबचन सिंह जी फरमाते थे कि जो किसी को इस बात के लिए उकसाए, उसे ठुकराए कि उसने ज्ञान नहीं लिया या वो किसी और जाति, भाषा या फिरके से ताल्लुक रखता है, तो वो निरंकारी नहीं है। जो इन सब बातों से ऊपर उठकर इंसान को इंसान समझकर गले लगाएगा, वही सही मायनों में निरंकारी है। हमने इसी बात को हमेशा जीवन में अपनाना है। इसी से हम सबका हृदय जीत सकते हैं और यही सबसे बड़ा प्रचार हुआ करता है। संत समागम के दूसरे दिन 1 नवंबर सन 1981 को आपने भक्तों को नम्रता अपनाने की प्रेरणा देते हुए कहा, ज्यों ज्यों आप झुकेंगे, दूसरों का सत्कार करेंगे, उतना ही आपका मान बढ़ेगा, आपकी बड़ाई होगी। सच्चे संत हमेशा चरण परस्ती करते हैं, ये नहीं देखते कि वो कौन से राज्य से आए हैं, कौन सी भाषा बोलते हैं, कौन सा खाना खाने वाले हैं। ये केवल इतना ही जानते हैं कि हर एक इंसान में परमात्मा का नूर वास करता है, इसलिए ये हर एक को गले लगाते हैं, हर एक का आदर करते हैं। संत समागम के तीसरे दिन 2 नवंबर सन 1981 को बाबा जी ने फरमाया, लोग समझते हैं यदि शरीर को दुख दिया जाए या खत्म कर दिया जाए तो ये मिशन खत्म हो जाएगा। ये शरीर मिशन नहीं है, बल्कि सिद्धांत मिशन है। सत्य की ये आवाज ही मिशन है। जब तक ये सिद्धांत कायम है, ये मिशन हमेशा चलता रहेगा। 24 अप्रैल सन 1982 को जालंधर के विशाल बर्टन पार्क में मानव एकता दिवस मनाया गया। अचानक जोरदार बारिश होने से सभी शामियानों से पानी टपकने लगा। उस समय भक्ति के मजबूत जज्बे का वो दिव्य नजारा देखते ही बनता था, जहां बादलों की गरज, बिजली की चमक और मूसलाधार वर्षा के बावजूद सैकड़ों अनुयायी गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए यथावत अपने स्थान पर बैठे रहे। आपका प्रेम पूर्ण दिव्य सम्मोहन और आपके प्रवचन सबको बांधे रखते थे। सदगुरु बाबा जी की मानव कल्याण यात्राएं सच्चाई का परचम फहराते हुए निरंतर आगे बढ़ती रहीं। आप शहर शहर, गांव गांव, गली गली सत्य व प्रेम का संदेश फैलाते चले गए। 29 जनवरी सन 1983 को जब आप गोधरा गुजरात से चलकर दाहोद शहर के पास के गांव नगरेला में संगत करने पहुंचे, तो सारा गांव आपके दिव्य दर्शनों के लिए उमड़ पड़ा। भुवनेश्वर में एक मंदिर के पुजारी ने सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी का परंपरागत ढंग से स्वागत किया और सदगुरु बाबा जी ने भी प्रेम पूर्वक उनकी उस भावना को स्वीकार किया। गुरुदेव हरदेव कभी दक्षिण भारत में संगतों के साथ बैठकर केले के पत्ते पर परोसा गया भोजन प्रेम पूर्वक स्वीकार करते, तो कहीं उत्तर प्रदेश में आयोजित शोभा यात्रा में सबका मन मोह लेते, कहीं सत्संग भवन की नींव रखते, तो कभी भक्तों को दर्शन देने एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाते। इंसानियत मेरा धर्म है, इंसानियत ही ईमान है, इस उद्घोष को साकार रूप देते हुए बाबा हरदेव सिंह जी ने संत निरंकारी मिशन को मानवता का प्रतिबिंब बना दिया। आपने मिशन के पुरातन गुरुओं और संतों भक्तों की पुनीत याद को संत समागमों से जोड़कर इन्हें नव स्वरूप प्रदान किया। भक्ति पर्व समागम और मुक्ति पर्व समागम पर आप ये शिक्षा देते रहे कि भक्ति की धारा जीवन में निरंतर बहती रहनी चाहिए। आपकी रहनुमाई में महाराष्ट्र के वार्षिक प्रांतीय संत समागम का स्वरूप भी वार्षिक संत समागम दिल्ली जैसा विशाल एवं अंतर्राष्ट्रीय नजर आने लगा। स्थानीय भाषा मराठी होने पर भी विभिन्न भाषा भाषी संत समागम की शोभा बढ़ाने लगे। मिशन के विश्व बंधुत्व की कल्पना का साकार रूप सभी प्रादेशिक संत समागमों में भी
स्पष्ट दिखाई देता रहा। अमन के मसीहा बाबा हरदेव सिंह जी जिस भी प्रदेश में पहुंचते, वहां के श्रद्धालुओं द्वारा रंग बिरंगे पुष्पों से सुसज्जित श्वेत धवल पालकी में मातृशक्तियों सहित आपकी शोभा यात्रा निकाली जाती। एकत्व के प्रतीक स्वरूप इन प्रादेशिक संत समागमों में श्रद्धालु परंपरागत वेशभूषा में मानवीय सद्भावना एवं सांस्कृतिक एकता के कार्यक्रमों द्वारा विश्व बंधुत्व को साकार करते दिखाई देते। बढ़ते हुए निरंकारी परिवार को देखते हुए बाबा जी ने जहां मुंबई, कोलकाता, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के प्रांतीय समागमों को जारी रखा, वहीं ओडिशा, कर्नाटक, बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के साथ साथ नेपाल में भी हर वर्ष अथवा कुछ अंतराल से समागमों के आयोजन होते रहे। सन 1985 में दिल्ली में सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी की छत्र छाया में प्रथम इंग्लिश मीडियम समागम का आयोजन हुआ। सन 1986 के गुरुदेव की यात्राओं में सत्संग के कार्यक्रम अधिकांशतः खुले मैदानों व ग्रामीण क्षेत्रों में रखे गए। कई स्थानों पर बाबा जी ने स्वयं मीलों पैदल चलकर श्रद्धालु भक्तों को दर्शन दिए और रूहानी संदेश जन जन तक पहुंचाया। गुरुदेव की प्यार भरी मीठी मुस्कान एवं अमृत वचनों का रसपान करने वाले श्रद्धालुओं की कतारें निरंतर लंबी होती चली गईं। सन 1987 में बाबा जी व माता जी की कल्याण यात्रा के दौरान विदेशों में वहां की युवा पीढ़ी पर विशेष सकारात्मक प्रभाव पड़ा। बाबा जी का मानव एकता अभियान निरंतर गति पकड़ता रहा। आपको दिल्ली में तो 12 महीने में से कुल 4 महीने ही रहने का मौका मिलता, 8 महीने तो हिंदुस्तान के विभिन्न स्थानों पर या हिंदुस्तान से बाहर सत्य के प्रचार में ही व्यतीत होते। बाबा हरदेव सिंह जी सबको सरल भाषा में ब्रह्म ज्ञान समझाते रहे। आपने बच्चों में बचपन से ही भक्ति भाव भरने के लिए बाल समागमों का शुभारंभ किया। 1 जनवरी सन 1995 को गुरुदेव हरदेव सिंह जी की छत्र छाया में चंडीगढ़ में विशाल ऐतिहासिक बाल समागम हुआ। अंतर्राष्ट्रीय भाषा अंग्रेजी में भी सत्य का प्रचार प्रसार होता रहा। 10 फरवरी सन 1995 को दिल्ली में अंग्रेजी भाषा में वार्षिक संत समागम संपन्न हुआ। आपने वर्तमान युग के अनुरूप मिशन के प्रचार एवं प्रबंध को व्यवस्थित रूप देने के लिए कंप्यूटर, इंटरनेट जैसे आधुनिक माध्यमों को अपनाया ताकि सत्य संदेश जन जन तक पहुंच सके। आपकी रहनुमाई में संगतों के साथ साथ सेवा दल का भी निरंतर विस्तार होता गया। देश विदेश में महिला समागमों के आयोजनों से महिलाओं में आत्मविश्वास और आत्मसम्मान की भावना दृढ़ हुई। नारी सशक्तिकरण में आपकी धर्मपत्नी पूज्य माता सविंदर जी का अविस्मरणीय योगदान रहा। परिणाम स्वरूप सामाजिक उत्थान के लिए महिलाओं ने भी कदम बढ़ाए। वर्ष 1997 में 6 से 7 नवंबर तक आपकी हुजूरी में दिल्ली में मिशन का 5 दिवसीय ऐतिहासिक स्वर्ण जयंती संत समागम आयोजित हुआ। 5वें दिन सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी ने अपनी पावन वाणी से अमृत वर्षा की। निरंकारी सरोवर के पास फैले विशाल मैदानों में हुए समागम में देश विदेश से लाखों की संख्या में आए श्रद्धालुओं ने मानव एकता का सुंदर दृश्य पेश किया। समागम के मुख्य आकर्षण थे बाल संतों की एकता दर्शाता मार्च पास्ट, सामूहिक सादा शादी समारोह, निरंकारी प्रदर्शनी एवं आध्यात्मिक सांस्कृतिक संगम। आपके नेतृत्व में समागमों की श्रृंखला निरंतर रफ्तार पकड़ती रही। आए दिन कहीं ना कहीं समागम होते ही रहे। 14 मार्च सन 1998 को पश्चिम बंगाल के रजत जयंती वार्षिक संत समागम में आपने संपूर्ण बंगाल, असम, बिहार और ओडिशा से आए हजारों अनुयायियों को बधाई दी
कि आप एक प्रभु पर आधारित रहने वाले जिम्मेदार, शांतिप्रिय तथा सहयोगी नागरिक बनने के लिए प्रयत्नशील हैं। आप प्रादेशिक समागमों द्वारा भाषा, प्रांत, संस्कृतियों वाली विभिन्नताओं के कारण उत्पन्न दूरियां मिटाते रहे। 22 मार्च सन 1998 को आंध्र प्रदेश का प्रादेशिक संत समागम ताड़ेपल्ली गुडम में आयोजित हुआ, जहां अनेक वक्ताओं ने तेलुगु भाषा में अपने विचार रखे। सन 1980 से ही हर वर्ष आप भारत में ही नहीं बल्कि विश्व के कोने कोने में सत्य संदेश पहुंचाते रहे। वर्ष 1999 में बाबा हरदेव सिंह जी जर्मनी तथा इटली पधारे। सन 2000 में सतगुरु बाबा जी का पहली बार चीन में पदार्पण हुआ। इसी वर्ष निरंकारी मिशन के विश्व मानचित्र पर एक नया देश मॉरिशस अंकित हुआ। सन 2001 में आपके कनाडा आगमन पर वहां के माननीय प्रधानमंत्री व अनेक शहरों के मेयर महानुभावों ने आपको शुभकामनाएं दी एवं सम्मान पत्र भेंट किए। इसी दौरान मिशिगन के एक शहर एनार्बर के मेयर ने सदगुरु बाबा जी को शहर की चाबी सौंपते हुए कहा, हम दिलों की चाबी भी आपको दे रहे हैं। 14-15 सितंबर सन 2002 को पेरिस में यूरोप का 2 दिवसीय समागम आयोजित हुआ, जिसमें वक्ताओं ने अपनी भाव व्यक्त करने के लिए अंग्रेजी के साथ साथ डच, फ्रेंच, जर्मन तथा अन्य यूरोपीय भाषाओं का सहारा लिया। इससे विश्व बंधुत्व का संदेश यूरोपीय मूल के लोगों तक भी स्पष्टता से पहुंचा। बाबा जी एवं माता जी की पावन छत्र छाया में सत्य, ज्ञान और प्रेम के संदेश को जन जन तक पहुंचाता ये मिशन दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति करने लगा। 23 फरवरी सन 2003 को भक्तों के असीम आग्रह पर सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी ने पहली बार अपने जन्म दिवस को दिल्ली में गुरु पूजा दिवस के रूप में मनाने की स्वीकृति प्रदान की। साथ ही आपने इस दिन को वर्षों से चलते आ रहे वृक्षारोपण एवं स्वच्छता अभियान से जोड़कर श्रद्धालुओं को लोक कल्याण के लिए प्रेरित किया। ये सिलसिला निरंतर विस्तार प्राप्त करता गया। हर वर्ष गुरु पूजा दिवस पर जहां भक्तों को आपका स्नेहिल आशीर्वाद प्राप्त होने से नव उल्लास मिलता गया, वहीं समाज कल्याण के कार्यों का भी देश विदेश में फैलाव होता गया। बाबा हरदेव सिंह जी का जन्मदिन एक ऐसा अवसर बनता जब कवियों के पुलकित हृदय राजमाता जी को जननी के रूप में बधाई देते नहीं थकते थे। मां तुझको लाख बधाई है, तू गुरु हरदेव की माई है, तेरे इस नूर के आने से दुनिया में हुई रोशनाई है। अपने जन्म दिवस पर भी आप भक्तों के लबों पर हंसी व चेहरों पर हमेशा खुशी की कामना करते रहे। आपकी पावन उपस्थिति में होने वाले समागमों का स्वरूप इतना रूहानी बन जाता कि भक्त उस आनंद व उल्लास का वर्णन ही नहीं कर पाते। आप निरंकार के एहसास से भरी रूहों के मिलन को सद्भावनाओं का समन्वय स्थल बताते। एक बार गुरु वंदना समारोह में बाबा जी के उद्गार कुछ इस प्रकार थे। इन समागमों के नजारों को बयान करने के लिए लगता है जैसे कोई शब्द बना ही नहीं होगा। जिस प्रकार से ये भावनाएं तरंगित हो रही हैं, जो हृदय से नहीं बल्कि रोम रोम से उमड़ उमड़ कर आ रही हैं, और वाकई जिसकी कीमत भी दुनियावी दृष्टि से आंकी नहीं जा सकती है, क्योंकि इन फिजाओं में जो महक फैलाई गई है वो महक विश्व के अनेक मुल्कों की नुमाइंदगी करने वाले इस देश के अनेक गांवों खेड़ों से आए महापुरुषों की सुंदर भावनाओं के कारण ही है। आप इस तप त्याग की महक को घर लौटने के बाद भी जन जन तक फैलाने की प्रेरणा देते। आपका रूहानी कारवां सब में नई ऊर्जा भरता और निरंतर आगे बढ़ता रहा। बरसात हो या चिलचिलाती धूप, कड़कड़ाती सर्दी हो या कोहरे की रास्ता रोकने वाली धुंध, आपने किसी भी मौसम की परवाह नहीं की। कभी खुले मैदानों में, कभी पहाड़ों पर, तो कभी
तब तेरे किस्तानों में चलते चले गए। संसार सुखी करने का तुमने दृढ़ संकल्प उठाया था, मानवता की खातिर अपना हर सुख चैन गंवाया था। कोई कहीं जो दुखी हुआ तो चैन से तुम न सो पाए, सबके दर्द में शामिल थे और खुशी में सबकी मुस्काए। सतगुरु बाबा जी के मार्गदर्शन में 1 मार्च सन 2003 से सत्य और प्रेम के संदेश को विश्व भर में सभी अध्यात्म प्रेमियों तक पहुंचाने के लिए इंटरनेट पर वॉइस डिवाइस कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। सत्य संदेश के प्रसारण का एक ऐसा खूबसूरत मंच बन गया जिसके साथ विश्व भर के हजारों श्रोता जुड़ने लगे तथा हर माह आपका दिव्य मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए उत्सुक रहने लगे। आप निरंकार से जुड़े विविध पहलुओं की ओर ध्यान आकृष्ट करवाते रहे। 26 अप्रैल से 28 जून सन 2003 के बीच हुई 64 दिवसीय इंग्लैंड, यूरोप तथा दुबई की मानव कल्याण यात्राओं में गुरुदेव ने 2 मुख्य बिंदुओं पर बल दिया। जब हर समय निरंकार को बीच में रखकर कार्य करते हैं तो हर कार्य में सफलता सुनिश्चित हो जाती है। सच्ची खुशी पदार्थों के साथ नहीं, निरंकार के साथ जुड़कर ही मिलती है। सत्य सम्राट बाबा जी अमन, एकता, प्रीत, नम्रता, विशालता जैसे दैवीय गुणों द्वारा मानव समाज का नव निर्माण करते गए। 22 अगस्त से 18 सितंबर सन 2003 के बीच सतगुरु बाबा जी व राजमाता जी ने भारत के दक्षिण तथा पश्चिमी राज्यों की कल्याण यात्रा की, जहां दक्षिण भारत के सत्संग समारोहों में वहां की पारंपरिक लोक संस्कृति के दर्शन हुए। वहीं पश्चिमी राज्यों में मराठी व कोंकणी संस्कृति के बाबा जी की हुजूरी में उमड़ता जन सैलाब बस यही दर्शा रहा था कि भाषाओं की विविधता के बावजूद सत्य की ज्योति पूर्ण उत्साह के साथ जगमगा रही है। सदगुरु बाबा जी का जहां जहां आगमन होता वहां आध्यात्मिक उत्सव जैसा नजारा दिखाई पड़ता। मिशन के सरल आध्यात्मिक विचारों और मानवता भरे सामाजिक कार्यों से प्रभावित होकर भारत के कई राज्यों ने सम्मान स्वरूप बाबा जी को राजकीय अतिथि घोषित किया। वर्ष 2004 में हुजूर पहली बार जम्मू कश्मीर के बटोत तथा कटरा में पधारे। जम्मू कश्मीर के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल पटनी टॉप में आपका कार्यक्रम हुआ। अन्य शहरों की तरह यहां भी जम्मू कश्मीर के लोक निर्माण राज्य मंत्री व पूर्व सांसद ने आपका भव्य स्वागत किया। इस यात्रा में पूर्व घोषित कार्यक्रम तो सिर्फ 5 थे, लेकिन गुरुदेव हरदेव जी के अलौकिक व्यक्तित्व के प्रभाव से श्रद्धालुओं ने 36 स्थानों पर सत्संग समारोह आयोजित किए। गुरुदेव जहां जहां भी जाते लगभग हर क्षेत्र में यही देखने को मिलता कि उनकी कल्याण यात्रा की समाप्ति तक निर्धारित स्थानों की संख्या दुगनी हो जाती। बाबा जी के प्रेम की डोर से बंधे भक्तजन हर स्थान पर मीलों का सफर तय करके अपने हृदय सम्राट सदगुरु के दर्शनों हेतु पहुंच जाते। जनवरी सन 2005 में आयरलैंड व यूनान में जब पहली बार सदगुरु का पदार्पण हुआ तो वहां बसे हुए लोगों ने मिशन के सत्य संदेश को सुनकर बाबा जी के चरणों में प्रार्थना करते हुए ऐसा आशीर्वाद मांगा कि इस विश्व बंधुत्व की भावना का विस्तार यहां भविष्य में भी निरंतर होता रहे। जनसंपर्क गतिविधियां। बाबा हरदेव सिंह जी ने सबको मूल स्रोत निरंकार प्रभु के साथ जोड़ने का सफल व हर संभव प्रयास किया। आपने मिशन के सत्य संदेश को संपूर्ण विश्व में फैलाने के लिए सेमिनारों की एक नवीन श्रृंखला आरंभ की, जो शिक्षित एवं बुद्धिजीवी वर्ग में आध्यात्मिक जागृति लाने में सहायक बनी। 13 मई सन 2005 को दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित सेमिनार में उपस्थित तत्कालीन प्रधानमंत्री तथा अनेक धर्मों के आचार्यों के सम्मुख सह अस्तित्व के दर्शन का मूल भाव समझाते हुए आपने फरमाया, आज विश्व को सिर्फ सह अस्तित्व नहीं
बल्कि शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की आवश्यकता है। सदगुरु बाबा जी आध्यात्मिक उत्थान के साथ साथ सामाजिक बुराइयों से सावधान रहने के लिए भी सचेत करते रहे। 24 अप्रैल सन 2006 को मानव एकता दिवस पर आपने नशे से गुरेज करने और विपरीत भावनाओं से ऊपर उठने के संदेश को दोहराया। 13 मई सन 2006 को इंटरफेथ हार्मनी फाउंडेशन ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित सामाजिक सद्भाव गोष्ठी में पूर्व प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री आदि अनेक गणमान्य विभूतियों के साथ बाबा जी ने भी अपने महत्वपूर्ण विचार रखे। कार्यक्रम में पधारी सभी प्रतिष्ठित विभूतियां बाबा जी की पावन उपस्थिति से अति प्रभावित हुईं। बाबा जी स्थान स्थान पर जाकर ज्ञान का दीप जलाते रहे। अगस्त सन 2006 में वैंकूवर में आयोजित सत्संग समारोह में रिचमंड इलाके के मेयर महोदय ने सदगुरु बाबा जी का भावपूर्ण स्वागत करते हुए कहा, विश्व में आज जो समस्याएं दिखाई दे रही हैं उनके समाधान के लिए निरंकारी बाबा जी सही मार्गदर्शन प्रदान कर रहे हैं। इस प्रकार सभी समस्याओं का समाधान हो सकता है। 2 और 3 सितंबर सन 2006 को आपकी हुजूरी में स्पेन के शहर बार्सिलोना में 4वां यूरोपीय संत समागम संपन्न हुआ। 14 अक्टूबर सन 2006 को दिल्ली के श्री सत्य साई इंटरनेशनल सेंटर में बाबा जी, पूज्य माता जी व राजमाता जी की हुजूरी में विश्व एकता और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व पर परिचर्चा हुई। इसके बाद सेमिनारों का ये सिलसिला लगातार चलता रहा और बढ़ता रहा। सन 2006 में 59वें समागम के अवसर पर आपने सुंदर विश्व की कल्पना करते हुए कहा, यदि मानवता के बुझे हुए दीपक जलते जाएंगे, 1 से 100, 100 से 1000, 1000 से 1,00,000, लाखों से करोड़ों तक, तो अनुमान लगा सकते हैं कि जब करोड़ों दीप जल उठेंगे तो कितना सुंदर नजारा होगा। 21 व 22 अप्रैल सन 2007 को नई दिल्ली के जवाहर भवन में आयोजित साउथ एशिया इंटरफेथ हार्मनी कॉन्क्लेव में आपने स्पष्ट किया कि मानवता का धर्म ही विश्व में प्रेम, शांति और मिलवर्तन की स्थापना कर सकता है। अलग अलग किस्मों के फूल जब एक ही क्यारी में खिल सकते हैं तो इंसान क्यों नहीं मिलकर रह सकते। दिलों को विशाल करें, क्योंकि हाथ मिलाने के लिए हाथों का खुला होना जरूरी है। उल्लेखनीय है कि सेमिनार में तत्कालीन प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री सहित देश विदेश से आए धार्मिक नेता एवं श्रद्धालु उपस्थित थे। 20 सितंबर सन 2007 को लंदन में हुई 8वीं अंतर्राष्ट्रीय कॉरपोरेट गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन कर बाबा जी ने कॉरपोरेट जगत से संपूर्ण मानवता के हित में काम करने का आह्वान किया। 26 सितंबर सन 2007 को फ्रांस के स्ट्रासबर्ग में 27 देशों के यूरोपियन संसद द्वारा सदगुरु बाबा जी का भव्य स्वागत किया गया। 30 नवंबर से 2 दिसंबर सन 2007 तक हैदराबाद में आयोजित आध्यात्म विज्ञान पर आधारित प्रथम राष्ट्रीय सम्मेलन में बाबा जी ने धरती पर जीवन सुरक्षित रखने का एकमात्र उपाय मानवता एवं विश्व बंधुत्व को बताया। यहां सीबीआई के पूर्व प्रमुख एवं आंध्र प्रदेश के महामहिम राज्यपाल महोदय ने सदगुरु बाबा जी के प्रति अपना सम्मान व श्रद्धा प्रकट की। 5 व 6 जनवरी सन 2008 सिनसिनाटी अमेरिका में आयोजित विश्व अमन सेमिनार में वॉशिंगटन, मिशिगन, शिकागो, ह्यूस्टन, फ्लोरिडा और न्यूजर्सी से संतों ने भाग लिया। बाबा जी ने इंटरनेट के माध्यम से युवा पीढ़ी को विश्व में शांति तथा मधुर समन्वय लाने का शुभाशीर्वाद प्रदान किया। 30 मई से 1 जून सन 2008 तक पालमपुर में जलवायु परिवर्तन पर आयोजित विश्व पर्यावरण सम्मेलन में सदगुरु बाबा जी ने पर्यावरण सुरक्षा संकल्प हेतु मानव श्रृंखला का उद्घाटन किया, जिसमें हजारों लोग शामिल हुए। इस अवसर पर उपस्थित स्वीडन के पूर्व प्रधानमंत्री सदगुरु बाबा जी के वचनों से अत्यधिक प्रभावित हुए।
9 जुलाई सन 2008 को स्टैंडिंग कॉन्फ्रेंस ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस के साथ मिलकर स्कोप ऑडिटोरियम दिल्ली में आयोजित सेमिनार 21वीं सदी में कॉरपोरेट मैनेजमेंट में आध्यात्म की प्रासंगिकता में सदगुरु बाबा जी ने मैनेजमेंट के क्षेत्र में भी वस्तुओं के स्थान पर इंसान को ही सबसे महत्वपूर्ण मानने की ओर ध्यान दिलाया। 7 अगस्त सन 2008 को सदगुरु बाबा जी कुवैत पधारे। कुवैत में भारतीय राजदूत ने बाबा जी का भावपूर्ण स्वागत किया। यहां बाबा जी ने पीस नॉट पीसेस का नारा देते हुए विश्व शांति का संदेश दिया। आपके आशीर्वाद से यूरोप के देश पुर्तगाल में भी संत निरंकारी मिशन की स्थापना की गई। नवंबर सन 2009 में बाबा जी ने बच्चों के लिए किड्स वेबसाइट शुरू करके मानवीय मूल्यों व उत्तम संस्कारों के शिक्षा देने का एक नया माध्यम चुना, ताकि बच्चों के भीतर छिपी प्रतिभा को निखारा जा सके एवं उनका सामाजिक और आध्यात्मिक विकास हो सके। आपकी रहनुमाई में देश विदेश में आध्यात्म की ज्योति के साथ साथ मिशन द्वारा निभाई जाने वाली जन कल्याण संबंधी सेवाओं को भी नई दिशा प्राप्त हुई। 12 अप्रैल सन 2010 को सदगुरु बाबा जी ने संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन की स्थापना करके सामाजिक उत्थान की दिशा में एक महत्वपूर्ण देन दी। बाबा जी के मार्गदर्शन में विदेशों में भी मिशन समाज सेवा के माध्यम से वहां के मूल नागरिकों तक पहुंचा, जिसके फलस्वरूप वहां की सरकारी और गैर सरकारी संस्थाएं भी मिशन के साथ जुड़ने लगी। स्थान स्थान पर निरंकारी भक्तों को पूर्ण श्रद्धा, प्रेम और भाईचारे से समाज सेवा करते देखकर स्थानीय प्रशासन भी प्रभावित हुए बिना ना रह सका। मानवता पर केंद्रीय मिशन के सिद्धांतों व दर्शन की गूंज धीरे धीरे यूरोपियन पार्लियामेंट तथा संयुक्त राष्ट्र तक पहुंच गई। वर्ष 2011 में सेंट मार्टिन की प्रधानमंत्री एवं उप प्रधानमंत्री ने स्वयं आकर हुजूर बाबा जी व पूज्य माता जी का स्वागत किया। उन्होंने बाबा जी के प्रवचनों को ध्यान पूर्वक सुना और कहा कि वर्तमान में बाबा जी द्वारा दिए गए विश्व शांति के संदेश की पूरे विश्व को जरूरत है। 11 और 12 अगस्त सन 2012 को सदगुरु बाबा जी की हुजूरी में इंग्लैंड के प्रसिद्ध शहर बर्मिंघम में एकत्व की अवधारणा पर प्रथम निरंकारी इंटरनेशनल समागम का आयोजन हुआ, जिसे देखकर ऐसा ही प्रतीत हो रहा था मानो विश्व भर से हर देश हर संस्कृति की वेशभूषा में सचे श्रद्धालु एक गुलदस्ते की भांति चारों ओर एकत्व की महक बिखेर रहे हों। बाबा जी का हर कदम प्रभु का सहारा लेकर जीने की ओर प्रेरित करने वाला था। 24 अप्रैल सन 2013 को आपने अपने विचारों में संतों के किरदारों को ऊंचा बनाने पर बल देते हुए कहा, मिशन को आगे बढ़ाने का मतलब है कि सारे के सारे भक्त दिव्यता के ऐसे प्रतिबिंब बने कि ऐसा लगे कि वाकई ये दिव्य आत्माएं हैं। ये दिव्यता प्रभावी दिव्यता है। इस प्रकार से मिशन को मजबूती और बढ़ावा मिल सकता है। आपने जनवरी 2014 से वीडियो समाचार न्यूज डिवाइन मासिक समाचार बुलेटिन की शुरुआत की। इसमें आपकी देश विदेश की आध्यात्मिक कल्याण यात्राओं के ब्यौरों के साथ साथ समाज कल्याण संबंधी गतिविधियों का विवरण भी होता, जिससे परोपकार के विभिन्न रूपों में प्रेरणा लेकर संतों के कदम लोक कल्याण के लिए तेजी से बढ़ने लगे। 2 व 3 अगस्त सन 2014 का अमेरिका तथा कनाडा का संयुक्त संत समागम अमेरिका के बॉस्टन शहर में हुआ। वहां बाबा हरदेव सिंह जी महाराज की भव्य शोभा यात्रा को देखकर ऐसा लगा मानो सदगुरु का वैश्विक भाईचारे का नारा साकार रूप लेता दिखाई दे रहा है। मां तुझे सलाम। राजमाता जी व बाबा हरदेव सिंह जी का मां बेटे के रूप में ओत प्रोत एक ऐसा रूहानी स्वरूप धरती पर देखने को मिला जिसकी मिसाल सदियों तक कायम रहेगी। गुरुदेव की माता होते हुए भी निरंकारी राजमाता जी आपको सदगुरु मानकर एक पूर्ण गुरसिक के रूप में
आपकी भक्ति करती रहीं। आप उन्हें माँ के साथ साथ एक आदर्श गुरुसिख के रूप में सम्मान देते रहे। तप, त्याग और ममता की मूरत प्यारी राजमाता जी आपके साथ कदम से कदम मिलाकर अपने प्यार की बौछार से मानवता को महकाती रहीं। 29 अगस्त सन 2014 को राजमाता कुलवंत कौर जी जब नश्वर शरीर त्याग कर निरंकार में लीन हो गईं, तब निरंकारी भक्तों के साथ साथ सदगुरु बाबा जी का भी दिल भर आया। स्वयं सदगुरु बाबा जी ने भक्त शिरोमणि माँ से जाने से पहले तमाम भक्तों के लिए उनके जैसी अनन्य भक्ति व गुरसिखी का वरदान मांगा। 1 सितंबर सन 2014 को राजमाता जी की याद में आयोजित प्रेरणा दिवस में सदगुरु बाबा जी ने राजमाता जी के अकर्ता भाव एवं दास भाव की सराहना करते हुए फरमाया, राजमाता जी की शख्सियत का हर पहलू पूर्ण रूप में गुणकारी था। उनमें केवल गुण ही गुण थे। उनमें नकारात्मकता का दूर दूर तक लेश मात्र कोई स्थान नहीं था। गुणों की खान राजमाता जी जीवन पर्यंत मिठास ही बांटती रहीं। सदगुरु बाबा जी ने राजमाता जी के बेमिसाल जीवन को सलाम करते हुए कहा, माँ तुझे सलाम, माँ तेरी भक्ति को सलाम, तेरी विशालता को सलाम, तेरी समदृष्टि को सलाम, तेरी जिम्मेदारियां निभाने को सलाम, तेरे हर कर्म को सलाम। सदगुरु बाबा जी की छत्र छाया में निरंकारी मिशन का बच्चा बच्चा आपसे प्रेरणा लेता हुआ सत्य के प्रचार में आगे बढ़ता रहा। विदेशों में भी निरंतर बाबा हरदेव सिंह जी के अनथक प्रयासों से आध्यात्मिक केंद्रों का निर्माण होता रहा। जहां भारत में हजारों शाखाएं स्थापित हुईं, वहीं विदेशों में भी मिशन की शाखाओं की संख्या बढ़कर कई सैकड़ों तक पहुंच गई। 3 जुलाई सन 2015 को सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी की हुजूरी में कैलगरी के स्टैम्पीड परेड में मिशन ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों में उत्साहपूर्वक भाग लेकर एकत्व भाव का प्रदर्शन किया। 12 जुलाई सन 2015 को लॉस एंजल्स अमेरिका के एक कन्वेंशन सेंटर में जीवन को उत्सव बनाओ विषय पर एक सुंदर लाइफस्टाइल एक्सपो का आयोजन हुआ, जिसमें बाबा जी ने निरंकार का एहसास निरंतर बनाए रखने की सीख दी। एक एक पल, एक एक लम्हा गुजर गया मानवता हेतु, गिराते गए दीवारें दिलों से, बनाते गए प्रेम के सेतु। भारत के कोने कोने में ही नहीं अपितु पूरे विश्व में अनगिनत कल्याण यात्राएं करके सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने पूरी मानवता को प्रेम के सूत्र में पिरोने के लिए दिन रात एक कर दिया। आपकी आजीवन यही कामना रही कि हम हमेशा निरंकार रूपी अमृत के चाहवान बने रहें, कभी कोई विषैलापन हमारे मनों में न आ बसे और हम औरों को भी यही अमृत बांटते चले जाएं जो हमें प्राप्त हुआ है। 24 अप्रैल सन 2016 को दिल्ली में आपकी सरपरस्ती में आयोजित मानव एकता दिवस के अवसर पर आपकी विनम्रता की पराकाष्ठा देखने को मिली। आपने फरमाया, अगर वर्षों की बात कहें तो कई दफा महापुरुष जिक्र कर देते हैं कि बाबा गुरुबचन सिंह जी ने सदगुरु रूप में जिम्मेदारी 17 वर्ष निभाई। आपके तो 36 वर्ष हो गए हैं, दुगने से भी ज्यादा वर्ष हो चुके हैं। तो दास यही कहता है कि होने को वो वर्ष दुगने हो गए होंगे, लेकिन जो उन्होंने कार्य किया दास इतने काल में उससे आधे से भी आधा नहीं कर पाया है। इतने वर्ष जरूर बिताए हैं, लेकिन जो उनके रफ्तार और योगदान रहे हैं दास उसके कहीं नजदीक भी नहीं पहुंच सका है। मानव कल्याण के प्रति संकल्पित सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज अंतिम श्वास तक एक आध्यात्मिक मार्गदर्शक के रूप में मानवता को सच की राह दिखाते रहे। आपके कुशल नेतृत्व में संत निरंकारी मिशन को विश्वव्यापी पहचान मिली। 8 मई सन 2016 को न्यू जर्सी अमेरिका में सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने साध संगत को साकार रूप में
अंतिम बार भरपूर दर्शन और आशीर्वाद दिए और फिर अचानक कुछ दिन बाद भारतीय समयानुसार 13 मई 2016 को हमेशा के लिए आपके चले जाने का दुखद समाचार मिलने से समस्त निरंकारी जगत शोकाकुल हो गया। हालांकि मानवता के मसीहा का इस प्रकार शारीरिक रूप से आंखों से ओझल हो जाना आपके अनगिनत भक्तों के लिए असहनीय था, परंतु आपने जीवन भर निराकार की इच्छा को सर्वोपरि मानने का जो पाठ पढ़ाया था उसी का परिणाम था कि भक्तों ने निराकार दातार की मर्जी के आगे सिर झुका दिया। जीवन के विषय में आपने हमेशा जो सिखलाना चाहा उसका सार समझ आने लगा कि जीवन की महानता जिए गए वर्षों की गिनती से नहीं बल्कि जिए गए उन पलों से है जिन्होंने अन्य लोगों के जीवन प्रभावित किए हैं। मानवता के पथ प्रदर्शक सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज का जीवन समूची मानव जाति के लिए एक वरदान रहा। आपके दिव्य मार्गदर्शन से लाखों जीवन धन्य हो गए। आपके छत्र छाया में मानवता प्रफुल्लित होती रही और विश्व बंधुत्व का भाव साकार होता रहा। हमें सुला के वो रातों को जागता ही रहा, हमें सुकून से बिठाकर वो भागता ही रहा। वो एक मिठास का बहता हुआ समंदर था, वो दरअसल में अकीदत का एक मंदिर था।